वैसे तो इन्वेस्टर समिट को लेकर विपक्षी दलों ने मोर्चा खुला हुआ है। विपक्षी दल जो है वो लगातार इसे लेकर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में हमें बसपा के जो विधायक है, विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर जी, वो भी नजर आए और इस समय बसपा के प्रवक्ता रहे फैजान साहब भी हैं, उनके साथ में यहाँ पर उद्योगपति भी हैं, निवेशक भी हैं। तो पहले तो फैजान साहब से ही बात करते हैं। फैजान साहब, एक तरफ तो सवाल उठाता है विपक्ष के निवेश के नाम पर कुछ आ नहीं रहा, आपकी पार्टी भी उठाती है और आप यहाँ इस सम्मेलन में। नहीं देखिए, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है जहाँ पर मैं आया हूँ, ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है, G20 का प्रोग्राम है और इसमें मेरी भी कंपनी FK एसोसिएट पार्टिसिपेट की हुई थी, लिहाजा उस नतीजे से मैं आज आया हूँ, एज ए बिजनेसमैन आया हूँ, एज ए इन्वेस्टर आया हूँ, ना कि एज ए पार्टी लीडर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। उत्तर प्रदेश में निवेश का अच्छा माहौल है? नहीं, निवेश का माहौल को जांचने और परखने तो आना ही पड़ेगा। अब मैं उतर के आया हूँ, देखा हूँ, अब आगे आने वाले दिनों में देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर कहूँगा कि इसे युवाओं में और इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसे नो डाउट, ये हम जैसे युवा जो बिजनेसमैन को अगर आगे बढ़ाने के सोचते हैं या बिजनेस को आगे करने के सोचते हैं तो उसे मनोबल तो बढ़ता ही है। लेकिन फिर आपकी पार्टी सवाल क्यों उठाती है, बसपा सवाल क्यों उठाती है इन्वेस्टर समिट? नहीं, इन्वेस्टर समिट पे जो बाकी खर्च, वो जो खर्च आते हैं वो सब पे सवाल उठता है। मैं आपसे पहले कह दिया, मैं एक बिजनेसमैन के नाते आज यहाँ पे प्रेजेंट हुआ हूँ, न कि एज ए पार्टी लीडर। और रही बात ये बातें, तो किसी और प्लेटफॉर्म पे आपसे फिर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आज शायद कोई जवाब देने की स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर कोई दल सवाल उठा रहा हो जिस चीज पर और उन्हीं के दल के लोग भी यहाँ पे नजर आ जाएं आपको, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है असहज स्थिति है। लेकिन उनका ये मानना है कि निवेश के लिए वो यहाँ पर आए हैं, अपनी फर्म को लेकर आए हैं और जाहिर सी बात है निवेश का माहौल दिख रहा होगा तभी आए हैं। इनके एक साथ में उद्योग, इनके एक निवेशक भी मौजूद हैं, इन्हीं के मित्र हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम निशांत सिंघल है। निशांत जी, ये बताएं, आपको फैजान साहब लेके आए निवेश के लिए? नहीं नहीं, ये तो मैं काफ़ी टाइम से मोदी और योगी से जुड़ा हुआ हूँ, प्लस वी आर तो मोदी योगी से भी जुड़े हैं, बसपा से भी जुड़े। ही इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम वेरी अर्ली चाइल्डहुड, तो ये बचपन से मेरा फ्रेंड है। आई एम फ्रॉम BJP, मतलब आई एम BJP। कन्विंस करके ले आया? हाँ जी बिल्कुल, कन्विंस करके लाया हूँ मैं। मानना ये कि भाजपा की सरकार में निवेश का माहौल अच्छा है? हाँ, निवेश का माहौल अच्छा है, इनफैक्ट कोई परेशानी नहीं आती। इन्होंने ये बात मानी या नहीं मानी? 100% मानी है। मान लिया, मैंने आपके चैनल पे निवेश का अच्छा माहौल है। नहीं, निवेश के लिए मैं तो कहा युवाओं पीढ़ी के लिए भी और बिजनेस का एक अच्छा माहौल तो क्रिएट हो ही रहा है, नो डाउट, ये मैंने पहले कहा आपसे। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भाजपा को मानने वाले हैं और इन्होंने, बहरहाल बसपा के नेता फैजान साहब जो है बसपा का पक्ष मजबूती से रखते रहे। फिलहाल पिछले कुछ समय से जो बसपा प्रवक्ता है उनके बोलने पर प्रतिबंध चल रहा है, ऐसे में वो आजकल मीडिया से बचते हैं, लेकिन यहाँ ABP गंगा की पकड़ में जरूर आ गए और कहीं ना कहीं ये माना है कि ऐसे आयोजनों से युवाओं का उत्साह मिलता है, रोजगार का भी सृजन होता है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।